गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आंगन पब्लिक स्कूल। आज हम स्टैंडर्ड 8 का संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो स्टैंडर्ड 8 के संस्कृत सब्जेक्ट में आज हम जो समझने वाले हैं, तो आज हम लास्ट तक हमने जो समझा था वो था वंदना। आज हम जो चैप्टर समझने वाले हैं वो है चैप्टर 1। तो उसके बारे में देखते हैं। तो चैप्टर 1 है चित्रपदानी वर्ड, वर्ड्स थ्रू पिक्चर 1, यानी कि हमने चित्रपदानी का जो भी रिवीजन था वो टेक्स्ट बुक में से किया। आज हम जो टेक्स्ट बुक में से जो समझा था वही उसके क्वेश्चन आंसर वर्कबुक में समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट फ्रॉम द दोज गिवन इन ब्रैकेट्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स फर्स्ट। सह डैश तो पुस्तकम चित्रम मयूर उत्पीठिका। अब आप लोगों को पता है कि मैंने लाइव लेक्चर में भी और जब ये वाला चैप्टर जब एक्सप्लेन किया था तब आप लोगों को एक ट्रिक सिखाई थी कि किस तरह आप लोगों को ये पहचानना है कि इसमें से पिक्चर ना आया तो आप लोगों को किस तरह समझना है। तो देखो सह के पीछे डबल डॉट दिया हुआ है, तो ऐसा ही ऑप्शन में डबल डॉट वाला कोई वर्ड्स दिया होगा। तो क्या दिया है? तो मयूर दिया है, पीछे उसके डबल डॉट है, बाकी कोई वर्ड्स के नीचे डबल डॉट पीछे नहीं है। तो राइट आंसर आएगा सह मयूर। एश डैश, तो एश तो देखो उसमें भी डबल डॉट है, यानी सह मयूर है, यानी कि दैट इज पीकॉक। सह यानी धैट और मयूर यानी पीकॉक, तो धैट इज पीकॉक। एश डैश, तो एश यानी दिस, तो एस में डबल डॉट वाला, इसमें भी ट्रिक मैंने सिखाई थी जब में यही आएगा विमानम बाला द्वारम गज। तो डबल डॉट वाला क्या है इसमें? तो आएगा गज। तो दिस इज एन एलिफेंट। डैश बालिका, अब बालिका दिया है तो उसमें से क्या आएगा? तो देखो बालिका, तो का के पीछे क के पीछे आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा वाला इसमें से कोई वर्ड्स हमें मिलेगा तो है, तो हा है एशा एशह एते एतत। तो राइट जो आप लोगों को दिख रहा है कि आ की मात्रा वाला वर्ड्स क्या है, तो आएगा एशा। तो एशा बालिका यानी दिस इज गर्ल। एतत डैश, तो एतत यानी फिर उसके बाद क्या आएगा? पिक्चर तो दिया नहीं है, तो पिक्चर के जरिए हम तो याद रखते थे, तो इसमें भी यही ट्रिक अपनानी है। बस यानम उत्पीठिका अश्व गज। तो देखो एतत में त के नीचे क्या दिया है? डैश दिया हुआ है, यानी लाइन दी है। तो ऐसा ही कोई लाइन वाला कोई वर्ड्स के नीचे है, तो हाँ है, क्या है? बस यानम। तो राइट आंसर आएगा एतत बस यानम, यानी कि दिस इज बस। सा डैश, तो इसमें क्या है कि शा है, तो उसमें भी आकी मात्रा वाला आएगा क्योंकि स के नहीं, स के पीछे आकी मात्रा है। चित्रम गज वातायनम प्रतिमा, तो राइट आंसर क्या आएगा? शा प्रतिमा, क्योंकि माँ के म के पीछे आकी मात्रा है, यानी कि दैट इज स्टैचू। अहम डैश, तो अहम क्या है? अहम युवक अह पुस्तकम सब्जी का द्वारम, तो अहम यानी मैं, तो कोई अपने बारे में बता रहा हो तो वो इंसान जिंदा हो तो ही अपने बारे में बता रहा हो। तो इसमें कौन सी चीज जिंदा है यानी लिविंग है? तो युवक जिंदा है, पुस्तक जिंदा है नहीं है, सब्जी का है नहीं है, सब्जी का यानी फाइल, और द्वारम यानी डोर, तो क्या वो अपने बारे में बता सकता है कि आई एम डोर? नहीं। तो अहम युवक है यानी कि आई एम यंग बॉय, यानी कि राइट आंसर इज युवक है। तो हम डैश, तो हम कोई चीज जिंदा है उसे बता सकते हैं कि यू आर ऐसा है, तो हम विमानम, तो ऐसा बोलते हैं कि यू आर एरोप्लेन नहीं, तो हम छात्र है, छात्र यानी स्टूडेंट। तो हम चित्रम और उत्पीठिका, तो राइट आंसर आएगा तो हम छात्र है यानी कि यू आर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, यही जो आप लोगों को ये था वो इसमें नीचे ही लिखना है, उसके आगे समझते है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। 4 मीनिंग हैव बीन गिवन With each of the following संस्कृत words, choose the correct option and write the letter corresponding to the answer in the box provided. First, स्वानह, तो स्वानह का मीनिंग क्या है? चार ऑप्शन दिए, उसमें से समझना है। ए कॉम, तो वो तो कॉम यानी कंगा हुआ। बी पैरोट, सी डॉग और डी विंडो, तो स्वानह यानी राइट आंसर आएगा सी डॉग। सब्जी का, तो टेबल कलेक्शन फाइल बैंक, तो राइट आंसर आएगा फाइल सी। वातायनम, तो गैस विंडो साइक्लोन गाउट, तो राइट आंसर आएगा विंडो। द्विचक्रिका, तो स्कूटर बाइसिकल व्हीकल या टू व्हील्स, तो द्विचक्रिका यानी कि व्हीकल्स, तो आंसर आएगा अ व्हीकल सी। एश, तो डैश, तो एश यानी कि धिस धैट धैट मैन धैट गर्ल, तो एश यानी सिखाया था कि क्या आएगा, ऑप्शन है ए धिस। तो हम यानी आई यू ऑल यू योर, तो राइट आंसर आएगा यू।
छात्र ह तो अ बिग अम्ब्रेला, अ रूफ, अ बॉय स्टूडेंट एंड अ गर्ल स्टूडेंट. राइट आंसर आएगा अ बॉय स्टूडेंट. अहम यानी यू, माई, आई, योर, तो राइट आंसर आएगा आई. नेक्स्ट देखते हैं मयूर ह, तो मयूर यानी क्या, तो एलिफेंट, हॉर्स, डॉग, पीकॉक, तो राइट आंसर इज डी, पीकॉक. मूर्ति ही, तो मूर्ति ही तो क्या, उत्पीठिका, सच्चिका, प्रतिमा या वातायनम, तो मूर्ति ही का सिमिलर वर्ड्स या मीनिंग होगा प्रतिमा. नेक्स्ट है सह डैश, तो सह क्या आएगा, तो सह सिंह, तो उसे उसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, तो सह यानी धैट और सिंह यानी लायन, तो धैट इज अ लायन. बी धीज इज अ हॉर्स, दिस इज अ लायन एंड दिस इज एन एलिफेंट, तो सह यानी धैट और सिंह यानी लायन, तो आएगा धैट इज अ लायन, यानी ऑप्शन है ए. दिस इज अ टेबल, तो इसका क्या होगा, तो दिस यानी एतत, क्योंकि टेबल है वो नॉन लिविंग थिंग है, या तो सॉरी टेबल को फेमिनाइन वर्ड्स में बताया गया है, तो देखते हैं उसमें, तो एतत यानी सॉरी दिस इज टेबल, तो दिस यानी कि एशा और टेबल यानी उत्पीठिका, पीठिका है यानी एशा आएगा, तो सा प्रतिमा, एतत वातायनम, सा सब्जिका, एशा उत्पीठिका, तो राइट आंसर इज डी, एशा उत्पीठिका. तत् द्वारम, तो उसका मीनिंग क्या होगा, तो दैट इज अ डोर. बी दिस इज अ डोर. सी दिस ऑल आर डोर्स और दोज आर टू डोर्स, तो राइट आंसर इज ए, दिस इज अ डोर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू संस्कृत. फर्स्ट दिस इज अ पीकॉक, तो दिस यानी एषः, पीकॉक यानी मयूर, तो एषः मयूर. दैट इज अ लायन, तो दैट यानी सह और लायन यानी सिंह, तो सह सिंह. दिस इज अ डॉग, तो दिस है यानी एषः और डॉग यानी स्वान, तो एषः स्वान. दिस इज अ स्टैच्यू, तो दिस यानी एषा स्टैच्यू यानी प्रतिमा, आ की मात्रा लगी इसीलिए एषा प्रतिमा. दिस दैट इज अ टेबल, तो दैट यानी सा और टेबल यानी उत्पीठिका, तो सा उत्पीठिका. दिस इज अ गीता, तो दिस यानी एषा, गीता यानी गीता, एषा गीता. दिस इज अ विंडो, तो दिस यानी एतत और विंडो यानी वातायनम, तो एतत वातायनम. दैट इज एन एरोप्लेन, तो तत् दैट यानी तत् और एरोप्लेन यानी विमानम. नेक्स्ट है आई एम अ टीचर, तो आई यानी अहम और टीचर यानी शिक्षक, तो अहम शिक्षक. आई एम अ गर्ल, तो आई यानी अहम और गर्ल यानी बालिका, अहम बालिका. यू आर अ चाइल्ड, तो यू यानी त्वम और चाइल्ड यानी बालक, तो त्वम बालक. यू आर अ स्टूडेंट, तो यू यानी त्वम और स्टूडेंट यानी छात्र, तो यू तो त्वम छात्र. नेक्स्ट समझते हैं ट्रांसलेट द फॉलोइंग संस्कृत सेंटेंस इन टू इंग्लिश. तो इसमें है फर्स्ट एषः शुकः, तो एषा यानी दिस और शुक यानी पैरोट, दिस इज अ पैरोट. सा सब्जिका, तो सा यानी धैट और सब्जिका यानी फाइल, धैट इज अ फाइल. एषा गीता, तो एषा यानी दिस और गीता यानी गीता, दिस इज गीता. एतत पुस्तकम, तो एतत यानी दिस और पुस्तकम यानी बुक, तो दिस इज अ बुक. त्वम छात्र, तो त्वम यानी यू और छात्र यानी स्टूडेंट, तो यू आर अ स्टूडेंट. अहम बालिका, तो अहम यानी आई और बालिका यानी गर्ल, तो आई एम अ गर्ल. नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट द गिवन पिक्चर्स एंड राइट द करेक्ट संस्कृत वर्ड्स इन अंडर ईच. तो हमें जो दिया है पिक्चर उसका संस्कृत लिखना है वर्ड, तो फर्स्ट में हमें लायन दिखाई दे रहा है तो उसे लिखेंगे सी, फाइल दिखाई दे रही है तो लिखेंगे सब्जिका, डॉग दिखाई दे रहा है तो लिखेंगे स्वानह, एरोप्लेन है तो आएगा विमानम, टेबल है तो उसे संस्कृत में लिखेंगे उत्पीठिका, और पैरोट है तो उसे संस्कृत में लिखेंगे शुकः. तो स्टूडेंट ये था चित्र पदानी वन यानी कि आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर. मे बी जिसको वर्कबुक में या नोटबुक में लिखना इनकम्प्लीट है तो फिर से पीडीएफ शेयर की जा रही है, और कोई ये लेक्चर या चैप्टर मिस कर गया हो और समझना बाकी हो तो आप ये वीडियो के थ्रू समझ सकते हो, और रिवाइज जिसको और रिवाइज करना है तो वो रिवाइज भी कर सकता है, और लिखना बाकी हो तो पीडीएफ के थ्रू ये नोटबुक और वर्कबुक कंप्लीट कर सकते हो. थैंक यू.